हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट कपकेक। चॉकलेट कपकेक के लिए हमको सबसे पहले चाहिए 100 ग्राम मैदा, 10 ग्राम कोको पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर एंड 1/2 टीस्पून खाने वाला सोडा, यानी कि सोडा बाइकार। इसको हम सारा एक साथ मिला करके छान लेंगे। कोको पाउडर, मैदा, बेकिंग पाउडर एंड खाने वाला सोडा, इसको हमने मिक्स कर लिया है। अब हमको दूसरा बाउल चाहिए। इसमें हम डालेंगे 35 ग्राम बटर। शुगर को हमने पीस लिया है, अब इसको ब्लेंड करेंगे। फ्लफी होने तक हमको फेंटना है, जब तक क्रीम और चीनी, सॉरी मक्खन और चीनी एक साथ मिक्स नहीं हो जाए। अब इसमें हम 1 टीस्पून वेनिला एसेंस डालेंगे। वेनिला एसेंस डालने के बाद में जो हमने मैदा का मिक्सचर रखा हुआ है वो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अभी मिक्सचर थोड़ा गाढ़ा हो गया तो इसमें हम थोड़ा सा दूध डालेंगे। अगर आप अंडे खाते हैं तो इसमें आप अंडे भी डाल सकते हैं दूध की जगह।
ये हमारा मिक्सचर बनकर के तैयार हो गया है। ये हमारे कपकेक्स हैं जो इसमें मोल्ड्स हैं, ये हमारे इसमें हम इस मिक्सचर को डालेंगे। उसमें मिक्सचर डालने के बाद में उसके ऊपर ये चॉकलेट चिप्स से थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर डाल देंगे। अब इसको 180 अब इन चॉकलेट कपकेक को हम 180 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 18 मिनट के लिए बेक करने के लिए रखेंगे। प्रीहीट होना चाहिए ओवन, जिससे आपके कपकेक बहुत अच्छे से बने। ये हमारे मफिन सिक करके तैयार हैं। इनको करीब करीब 15 मिनट लगेंगे सिकने में और ये हमारे मफिन सिकर तैयार हैं। आप इन्हें सर्व कीजिए, बच्चों को दीजिए गरम गरम या ठंडे करके, जैसे आपकी मर्जी हो वैसे खाइए। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब आवर वीडियोज।